भैया, ये हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि हम कल से सितंबर 1 तारीख से पूरे महीने में एक कैंपेन चला रहे हैं। उसका मुद्दा है मोरालिटी इज फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। तो इस कैंपेन हमने इसलिए रखा है कि जो बढ़ते हुए जुल्म ख्वातीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, लड़कियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और फीमेल फीटस को जो ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे समाज में। लेकिन लोग अक्सर उसका सुपरफिशियल वजह, बाहर जो निकलते हैं सिम्टम्स, उसके बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होते हैं। लेकिन हम चर्चा इस मोड पे लाना चाहते हैं कि इसका असल वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। रूट कॉज और असल वजह ये है कि डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज। फ्रीडम को के नाम लेकर लोग, हमारा नौजवान अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा और एनस्लेड हो रहा है इस तरह का चीज़ों में, पोर्नोग्राफिक लिटरेचर हो, नशा हो, ड्रग्स हो, इस तरह का चीज़ों में ज़्यादा एडिक्टेड, ज़्यादा इनसेंट हो रहा है। तो उनको बचाना है, ये हमारा जिम्मेदारी है, मीडिया का जिम्मेदारी है, हुकूमत का जिम्मेदारी है, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स का जिम्मेदारी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिम्मेदारी है। तो सबको ये तवज्जो दिलाने के लिए, अटेंशन लाने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। जब कभी देश विदेश में महिलाओं के ऊपर में अत्याचार बढ़ता है, तभी आंदोलन के रूप में आता है, फिर कुछ दिनों के बाद में देखा जाता है कि आंदोलन कहीं धीमा पड़ जाता है। हमारा ये आंदोलन आज या कल डिसाइड किया आंदोलन नहीं है, हमने महीनों के पहले ही इस तरह हमारा इस साल हम इस मुहिम चलाना है बोल के हमारा डिसीजन पहले कर दिया। उसके ऊपर बहुत सारे हमने होमवर्क किया, बहुत सारे लिटरेचर तैयार किया, उसके बाद हम सड़क पे आ चुका है। लेकिन आज उसका रेलेवेंस और बढ़ रहा है, ये अलग चीज़ है।